नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उनके बैनर लगे थे, उस पर आप सभी के फोटो थे, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी बना हुआ था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अभी उनका कोई भाजपा में शामिल होने का इरादा नहीं है। देखिए वहाँ पर 191 करोड़ की एक सौगात जो बांध मणियन घाट के पुल का जो माननीय मंत्री जी ने शिलान्यास किया, तो वहाँ पूरा कमालगंज वो पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा एक मानिए कि उनका समझ लीजिए जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, उनका रोजगार बढ़ने वाला है, उनका व्यापार बढ़ने वाला, उनके शादी संबंध बढ़ने वाले हैं उस पिछड़े हुई क्षेत्र में। तो कोई भी चेयरमैन या कोई भी दल का व्यक्ति हमारी सरकार के, हमारी मंत्री के, हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ करता है तो बुराई क्या नहीं होना चाहिए। और नगर पंचायत करें चाहे हम तो करें, कोई विधायक भी करे, पूर्व विधायक करे, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार की उन्हें तारीफ कर रहे हैं, इसमें कोई शर्म की बात करो। नहीं, पार्टी का बाकायदे बैनर पर जो पार्टी का झंडा है पूरा इस्तेमाल हुआ है, तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि जो नगर पंचायत शामिल होंगे। शामिल होना अभी कोई ऐसा तो कोई पार्टी का विचार नहीं, ऐसा उन्होंने कोई किसी से आवेदन नहीं किया कि हम शामिल होंगे, ना ऐसा कोई अभी किसी ने वहाँ उनसे कहा शामिल होने के लिए। अब पार्टी यहाँ शामिल होने की अलग व्यवस्थाएँ हैं, कोर कमेटी बैठेगी और वो चर्चा करेगी वो कोर कमेटी पास करेगी तो शामिल होंगे, नहीं हो करेगी तो फर्रुखाबाद नगर पालिका अध्यक्ष और उनके पति जो पूर्व एनएलसी हैं, अभी आपने कहा ये भी प्रयास में है, आज नहीं मैंने ये कहा चुनाव से पहले, अब तो नगर पंचायत अध्यक्ष बन गए, अब वो लोकसभा की मांगेंगे, लोकसभा हारेंगे तो विधानसभा की मांगेंगे। नगर पालिका चुनाव पहले प्रयास में थे नगर पालिका, नगर पालिका के चुनाव से पहले वो प्रयासरत थे, जब उन्होंने बसपा से टिकट नहीं ली उससे पहले प्रयासरत थे। क्या 2024 के चुनाव से पहले पुनः प्रयासरत होने की आशा? ये तो वही बता पाएंगे, हम लोग नहीं बता पाएंगे, उनके मन की बात हम कैसे बता पाएंगे।